Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see prerequisite to learn React.js and how to get most out of our React course. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो लिटरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये एक ऐसा वीडियो है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है अरे तो बच्चों वाला है, बट इन रियलिटी यही बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिएक्ट गाइस, आपने एक बात बताओ, कभी भी आपको अगर कोई पूछे या अगर आप किसी से पूछोगे कौन सा ऐसा पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मुझे सीखना चाहिए, आज तक कभी भी किसी ने रिएक्ट बोला है आपको? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि रिएक्ट पहले हम सीख भी नहीं सकते। अगर जो सीखने गया वो पागल हो जाएगा ये सोच के कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी आपका रिएक्ट है। वैसे तो फिर आप एंगुलर कर लो, सेल्फ्ट कर लो, व्यू कर लो, बैकबोन कर लो, एम्बर कर लो, क्यों रिएक्ट करना है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिएक्ट सीखने से पहले कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, ये जो सीरीज है आपको रिएक्ट में मास्टर बना देगा, लेकिन इतना इजी नहीं होता है किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए, उसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है। तो वो जो स्टेप्स है जिसके चलते आप मास्टर बन सकते हो, जो क्वालिटी आप प्राप्त कर सकते हो, वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने आ रहा हूँ। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। All right guys, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। prerequisite to learn React.js, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि React.js को सीखने से पहले हमें क्या क्या आना जरूरी है। तो गाइस, आप में से शायद बहुतों को ऑलरेडी आइडिया हो, बट फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि React.js को सीखने के लिए जो जो चीज आपको चाहिए वो सब कुछ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल पे। आपको कहीं जाने की भी नीड नहीं है। तो सबसे पहला गाइस, इतना आप समझ लीजिए कि आपका फ्रंट एंड का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो आपके है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML के ऊपर मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स अपलोड कर चुका हूँ। तो गाइस, अब अगर आप इसको प्रेजेंटेशन मोड में देख रहे हो, देन कंट्रोल प्रेस करने की भी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इसको क्लिक कर सकते हो। ये देखो, डायरेक्टली आप वीडियो पे आ जाओगे, है ना, बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है, तो प्लीज इस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा HTML, क्योंकि JSX का जो हम कोड लिखेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ योर HTML एंड जावास्क्रिप्ट ही है, तो आपको HTML का आना बहुत जरूरी है। सेकंड, CSS। एक बात बताओ, कोई भी फ्रंट एंड पे आप काम करोगे तो इंस्टॉल तो आपको करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मुझे CSS नहीं, मुझे तो टेलविंड विथ रिएक्ट चाहिए। अरे भाई, टेलविंड क्या है, CSS ही तो है। मतलब बिना CSS के आप टेलविंड कर लोगे? आपको लगता है ये मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स मॉडल, ये पोजिशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये जो आपका फ्लैक्स ग्रिड एंड ऑल, आप मतलब बिना CSS में करे आप टेलविन में सीख जाओगे? एंड अगर आपने टेलविन में सीख भी लिया ना, एंड अगर आप CSS में आते हो तो आपकी दुनिया बदलने वाली है। तो कभी भी सबसे पहले अगर आपको CSS आता है तो दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट उठा दो, जो चीज आप टेलविन, बूटस्ट्रैप, आपका सेट CN, आपका डेजी UI, जो भी है, CSS ऐसे में करके देगा आपको, उल्टा उनसे बेटर करके देगा। दो आपको CSS में जो लाइन्स ऑफ कोड है बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ये एकदम रॉ है ना, ताजा एकदम जरूर होगा, बट जो पावर CSS के पास है ना वो कहीं और नहीं है। तो नो मैटर व्हाट, चाहे आप टेलविन विथ रिएक्ट करो इट्स परफेक्ट, बट एटलीस्ट मेक श्योर आपका जो बेसिक्स है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। एंड कहाँ मिलेगा ये देखो, दो पार्ट में रखा है मैंने, बेसिक आपका ये कंप्लीट है, आपको देखना ही पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, जितनी मैंने मेहनत की है ना, एनिमेटेड PPT, हर एक छोटा छोटा मिनी प्रोजेक्ट, इतना मैंने मिनी प्रोजेक्ट डाला जो बाकी अब छोड़ो वहां पे कहां जाओ, बट मजा आ जाएगा आपको। एंड ये जो एडवांस प्रोजेक्ट तो ऐसा है कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैंने फ्री में डाला हुआ है। सभी को आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक करो आप उस पर्टिकुलर वीडियो पे चले जाओगे। PPT मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल टेंशन नहीं है। जावास्क्रिप्ट कहीं पे भी आप क्लिक करो, जावास्क्रिप्ट का Part 1, Part 2, Part 3 ई कॉमर्स वेबसाइट लास्ट में बनाए, इन तीनों को आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड आपका जो बेसिक एंड जो एक प्रीरिक्विजिट है रिएक्ट सीखने से पहले सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कुछ टिप्स है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, एंड मुझे लगता है कि हर एक इंस्ट्रक्टर को शेयर करना जरूरी है, एंड बहुत सब भी शेयर भी करते हैं। तो पांच चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए अगर आप मेरे इस रिएक्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, एंड मेरे इस रिएक्ट सीरीज के थ्रू या बाकी अगर किसी और के सीरीज को भी अगर आप फॉलो करते हो तो भी ये जो मैं 5 स्टेप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, प्लीज एंड मेक श्योर नो मैटर व्हाट आप फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहला, प्रैक्टिस रेगुलरली। एंड हाँ, एक और चीज, मैं जो भी बताऊंगा आपको लगेगा तो मुझे मालूम है, अरे भाई आपको सब मालूम है, लेकिन फिर भी आप करते नहीं हो। आपको मालूम है व्हाट इज अ गुड हैबिट, फिर भी करना बैड हैबिट ही है आपको। मतलब किसको नहीं मालूम, सब पूरी दुनिया को मालूम है कि अच्छा क्या बुरा, फिर भी लोग करते ही है ना वो चीजें। तो
बट फिर भी मैं चाहता हूँ जब तक हम ये सीरीज कर रहे हैं प्लीज आप डेली एवरीडे आप प्रैक्टिस कीजिए, नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू दिस, आपको प्रैक्टिस डेली करना है। मैंने आज आपको जो सिखाया आप उसको अच्छे से सीखिए, उसको एकदम अच्छे से सीखिए। सिर्फ उतना मत सीखिए, इवन आप बाकी जगहों पे भी चेकआउट कीजिए कि उसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। एंड अगर कहीं पे कुछ डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सेकेंड, ज्वाइन द कन्वर्सेशन। देखो ये वही पॉइंट है, कुछ भी डाउट आता है या अगर कुछ किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको आता है तो प्लीज पीछे मत हटिए, एक स्टेप फॉरवर्ड आगे लीजिए एंड दिखाइए दुनिया को कि आप कौन हो। अगर आप क्वेश्चन पूछते तो आप छोटे नहीं हो जाते, या अगर आप किसी की हेल्प करते तो आप बहुत बड़े नहीं हो जाते। इससे बस एक इंसानियत के नाते ऑब्वियसली हमारा फर्ज बनता, नहीं आ रहा तो पूछिए, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। एंड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा एंड वो अगर आपको आता तो ये मत सोचो यार खुद करने दे उसको, मुझे तो पूरा 2 हफ्ता लगा था समझने में, मैं क्यों उसको इतनी इजीली बताऊं। तो गाइस ये जो सोच अगर आप रखते हो तो ये बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा सोच हम यूट्यूबर्स ने रखना स्टार्ट कर दिया तो फिर गाइस कोई भी फ्री में आप कोर्स अपलोड ही नहीं करेगा, क्योंकि बाकी जगह तो ये रिएक्ट कोर्स सीखने के लिए आपको 30,000, 50,000, 1,00,000 तक पे करना पड़ता है। हम तो फ्री में कर रहे हैं, वो भी उतना जो आई गेस बाकी जगह पे आपको मिले भी ना, समझ रहे हो। तो गाइस बस कम करते जाओ, फल का मत सोचिए, फल आपको जरूर मिलेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए हम सब मिलके एक साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, मैं भी उसमें हूँ, सबसे आगे में रहूंगा, ठीक है। ऑलराइट, देन एक्सप्लोर एडिशनल रिसोर्सेज। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखो एंड खत्म, बाकी की वीडियो मत देखिए। भाई आप देखिए ना, आपके पास अगर समय है तो आप दूसरों की भी वीडियोस को चेकआउट कीजिए, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वीडियो को भी आप एकदम आराम से देख रहे हो, फिर उसका भी देख के फिर तीसरे का देख रहे हो फिर चौथे का देख रहे हो। इसको कहते हैं ट्यूटोरियल हेल, मतलब आप खाली देख रहे हो कर कुछ भी नहीं रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ 2 or 3 days आप भूल जाओगे कि आपने देखा भी क्या था। तो इसलिए जब आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो नोट्स बनाओ, नोट्स तो मैं शेयर कर भी रहा हूँ बट फिर भी आप भी अपने मन से बनाओ कि आपने उसको कैसे एनालाइज की, आपको कैसे पता चला, नोट्स बनाइए लिखिए। एंड जब आप किसी और के वीडियोस को देखते हो तो ऑब्वियसली मैंने तो और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ किया, इवन जो एक्स्ट्रा है वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो जो बाकी की भी वीडियोस अगर आप देखोगे बताने का तरीका अलग होगा, बट वो भी यही पर्टिकुलर टॉपिक को ही एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ऑलरेडी अगर आपको समझ चुका तो उसको वापस देखने की नीड नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें हो सकते शायद जो मुझसे छूट गई हो उन्होंने बताया हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपने नोट्स पे ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके लिए फायदा है कि मैंने जो बताया वो भी आपने नोट डाउन की, जो कुछ मिस हो गया था वो भी आपने किसी और की उधर से नोट डाउन कर लिया, तो आपका फायदा हो रहा है या नहीं, ऑब्वियसली राइट। बट 99% चांस है कि मैं कुछ मिस नहीं करने वाला, बट जो भी हो मैं चाहता हूँ कि आपकी जितनी हेल्प हो उतना बेटर है ना। देन दूसरा ऑफिशियल वेबसाइट्स, रिएक्ट का अपना खुद का डॉक्यूमेंट है यार, आप वहाँ पे ऑफिशियल उनका वेबसाइट पे चेक कीजिए क्या है क्या नहीं है। बहुत सभी लोगों ने बहुत औसम औसम ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, आप उनको रीड कीजिए, क्वेरा है, रेडिट है, आपके चैट जीपीटी है, आप उन सबकी मदद लीजिए। जितना आप मदद लोगे उतना आपके लिए ही बेटर होगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट तो जरूर कीजिएगा। देन अप्लाई रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, जो भी आप पढ़ रहे हो, चलो फिलहाल तो अभी स्टार्टिंग पार्ट है इतना आप मत सोचिए, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना यू नीड टू थिंक इन सच अ वे कि जो भी मैं पढ़ा उसको रियल वर्ल्ड में मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, कहाँ इसका मैं यूज कर सकता हूँ, तो वो थिंकिंग आपको इंक्रीज करनी होगी। एंड फाइनली एट देन रिव्यू एंड देन रिवाइज में गारंटी देता हूँ। अगर आपने 1 महीने भी इसको छोड़ दिया ना पढ़ने के बाद, आफ्टर 1 month आप बहुत सारे 50% आप भूल जाओगे, मैं लिख के देता हूँ आपको। ये मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है ये, बट कहते हैं ना प्रैक्टिस इज द की, नो मैटर वॉट कंसिस्टेंट बने रहना। चलो एक दिन मिस हो गया कोई नहीं, नेक्स्ट डे पढ़ लीजिए, चलो 2 दिन मिस हो गया कोई नहीं, भाई ऐसे हफ्ता हफ्ता तो मिस मत करो ना। कोई इंसान इतना बिजी नहीं होता कि 1 हफ्ते में भी एक बार रिएक्ट का ना देख सके, समझ रहे हो। एंड नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या दिस इज इट। सो गाइस ये थे मेरे 5 points, मेरे पर्सनल खुद के 5 points जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आप ही के लिए, ताकि आप मेरे जो इस रिएक्ट कोर्स से शुरू से लेके एंड तक अगर आप देखते हो एंड इस पर्टिकुलर 5 steps को फॉलो करते हो, मैं लिख के देता हूँ भाई आज आप जहां हो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स टोटली नेक्स्ट लेवल पोजिशन पे आप होगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यस मुझे रिएक्ट आता है, इतनी गारंटी मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बताना चाहूंगा गाइस अगर इनकेस कुछ भी डाउट आपको आता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 million सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।